सो दोस्तों वेलकम है आपका इस ब्रांड न्यू वीडियो में। कैसे हो सब लोग? दोस्तों आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं दोस्तों फर्स्ट क्लास हूँ। बाहर थोड़ी सी बारिश हो रही है, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इग्नोर करना, डोंट माइंड। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो है व्हाई यू शुड मूव टू ऑस्ट्रिया। आपको क्यों यहाँ आना चाहिए इस कंट्री में, ऑस्ट्रिया कंट्री में विजिट करने के लिए आते हैं आप, किसी को पढ़ने के लिए आते हैं, स्टडी करने के लिए आते हैं, ठीक है? तो रहने के लिए परमानेंट रेजिडेंट आप लेना चाहते हैं यहाँ कंट्री में, ठीक है? तो बेनिफिट्स क्या है यहाँ पर, क्यों इतना अच्छी है ये कंट्री, ठीक है? आप जर्मनी क्यों नहीं जाते, और कोई कंट्री यूरोप में क्यों नहीं जाते, सिर्फ ऑस्ट्रिया में क्यों आना चाहिए आपको? तो इसी वजह से मैंने 5 रीजन, वैसे तो बहुत सारे रीजन है, मैंने 5 रीजन चुने हैं आपके लिए, जो आपको आई होप आपको बता देंगे ये रीजन कि आपको यहाँ ही आना चाहिए, ठीक है? तो शुरू करने से दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हूँ राज। दोस्तों अगर आप मेरे फ्रेंड बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 पर आता है एजुकेशन एंड वर्क। यहाँ की एजुकेशन दोस्तों, देखो ये कंट्री जो है, जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, ये कंट्री बहुत ही स्मॉल है, छोटी कंट्री है, काफी सारे लोग ऑस्ट्रिया, जब कहते हैं ना हम ऑस्ट्रिया से आ रहे हैं या ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया का नाम सुन के लोग ना समझते ऑस्ट्रेलियन है, यहाँ ऑस्ट्रेलियन जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। ये ऑस्ट्रिया है दोस्तों, जर्मन की लैंग्वेज एंड ऑस्ट्रिया की लैंग्वेज सेम है, अगर आपको नहीं पता फिर से बता देता हूँ। तो जर्मन के आसपास है ये, ठीक है? ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, मतलब लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। 8.9 मिलियन पीपल यहाँ रहते हैं। यस, सिर्फ 8.9 मिलियन मिलियन पीपल, ठीक है? तो इसी वजह से वर्क जो है यहाँ का ज़्यादा है, काम ज़्यादा है यहाँ, एंड लोग कम है। तो अगर आप काम करने के लिए यहाँ आते हैं तो ये कंट्री सबसे बेस्ट है, ठीक है? एजुकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है दोस्तों, ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है दोस्तों, एंड काम की डिमांड एंड एजुकेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये देखो है नंबर 1। तो दोस्तों पांचवा जो नंबर है ना, लास्ट वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता होगा आई थिंक। तो देखते रहना एंड तक दोस्तों वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 2। दूसरा नंबर पर क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ वर्क एंड प्राइवेट लाइफ जो होती है सेपरेट रहते हैं लोग, मतलब काम की वजह, काम जो टाइम होता है ना सिर्फ काम करते हैं, और प्राइवेट लाइफ जो होते हैं ना अलग कर देते हैं, ठीक है? मान लो आपकी ड्यूटी जो होती है, फॉर एग्जाम्पल 6 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है? तो बस 6 बजे से लेकर 2 बजे सिर्फ काम करते हैं, ये सेपरेट रखते हैं, घर आते बस भूल जाते हैं कि कंपनी में क्या हुआ है, ठीक है? तो काफी सारे लोग तो ऐसे हैं कि बाहर चले जाते हैं कंपनी से, मुड़ के वापस नहीं देखते, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या वर्क एंड लाइफ बैलेंस क्या होता है, ठीक है? 1 ईयर में दोस्तों, 1 ईयर में 2 वीक्स आपको ऑफ मिलेंगे, समर वेकेशन, साल में 2 वीक्स समर वेकेशन मिलेंगी, एंड विंटर में 2 वीक्स आपको ऑफ मिलेगा। ये कंपनी नहीं दे दोस्तों, ये कंपनी के थ्रू नहीं है, लेकिन ये लॉ है गवर्नमेंट का कि आपको ये ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो ऑफ्स होते हैं, डे बैंक हॉलीडेज होती हैं, वो बीच में आ जाते हैं, ठीक है? तो ये लॉ है, जैसे मैंने कहा कि ये मतलब लेना ही पड़ता है आपको, कंपनी मना नहीं करेगी, ओके?
ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम करते हैं जब करना पड़ा आपको, कोई भी रीज़न हो सकता है, काम ज़्यादा है जो भी है, ठीक है। तो अगर आप मान लो सैटरडे काम करते हैं, आप मंडे टू फ्राइडे नॉर्मल होता है यहाँ का काम, ठीक है, 5 दिन ये नॉर्मल है, तो एक दिन और आपको काम करना पड़े, मान लो सैटरडे में कह रहा हूँ जैसे, तो 20% आपको मोर सैलरी मिलेंगी पर हावर, 20% मोर सैलरी आपको मिलेंगी, ठीक है। ये भी एक लॉ है, कंपनी को देना पड़ेगा। ओके, नंबर तीन दोस्तों, नंबर तीन पर क्या आता है बता देता हूँ आपको मैं। बेस्ट इकोनॉमी, यहाँ की इकोनॉमी दोस्तों इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है कंपेयर टू अनदर यूरोप कंट्रीज। अगर आप यूरोप में दो जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ कंपेयर करें तो ऑस्ट्रिया की वन ऑफ द बेस्ट है। ओके, हाँ, तो तीन नंबर था ना। अगर हम आगे जाते हैं नंबर चार पर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है दोस्तों, मान लो आप रहने के लिए आते हैं एंड आप स्मॉल, एक स्मॉल विलेज जो होता है ना वहां रहते हैं आप, तो वहां दोस्तों विलेज हो, स्मॉल काफी सारे विलेज ऐसे हैं कि 2,000 पीपल वहां रहते हैं सिर्फ। ओके, विलेज हो छोटा सा और बिग सिटी हो, तो ट्रांसपोर्टेशन वहां की आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों आगे जाते हैं नंबर पांच पर। जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कि पांचवा नंबर जो है बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर रहते हुए। पांचवा नंबर जो है हेल्थ केयर का है, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही अच्छा है। देख लो, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होता, जो भी हॉस्पिटल यहाँ होता है वो गवर्नमेंट से थ्रू होता है। तो कोई भी ऐसा मतलब ये सोलो इंडिया में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा होता है, तो ये ऐसा यहाँ नहीं है। ओके, डज मैटर, आपको कोई बड़ी बीमारी है, आपका कोई ऑपरेशन होना है, छोटी कोई आपको बीमारी है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी यहाँ जाता है हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए वो अच्छे हो के मतलब टेक बहुत केयर करते हैं पेशेंट के, ठीक है। तो आपको कोई कॉस्ट नहीं लगे, बिकॉज यहाँ पर 8.9 मिलियन पीपल, जैसे पहले मैंने कहा स्टार्टिंग में, रहते हैं। सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, इवन अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपके पास इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस रहेगी। ओके, तो यही खासियत जो है सबसे मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप नए हैं तो पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।